हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोगों ने 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपके आंसर्स फटाफट आ रहे होंगे। अभी आपने प्रपोर्शन का एप्लीकेशन 7.2 एक्सरसाइज में किया था कि प्रपोर्शन क्या है। प्रपोर्शन मींस क्या होता है? इक्वेलिटी, ठीक है। इक्वेलिटी बिटवीन टू रेशियोज नोन एज अ प्रपोर्शन। आप उस इक्वेलिटी का यूज करके कुछ क्वेश्चंस आपके 1 to 5th नंबर तक क्वेश्चंस है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया था। डायरेक्ट 1-1 लाइन के क्वेश्चंस है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आपके 6 नंबर से जो भी क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम बेस्ड है, वो भी बहुत ईजी है। मैंने कल क्वेश्चन नंबर 6 आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों ने कर लिया होगा एंड आगे भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे एंड बहुत सारे बच्चों को आंसर्स भी मिल रहे होंगे, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7.2 एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे आप प्रीवियस इक्वेशंस में करते थे कि जो भी फाइंड करना है आप उसी को लेट करते थे। अब इसमें जो आप लेट करोगे वो क्या होगा? आपका प्रपोर्शन में कोई ना कोई टर्म होगा, ठीक है। उस प्रपोर्शन के टर्म्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ हिंट आपको दी जाएगी, बट एट लास्ट आपकी इक्वेशन ही फॉर्म होगी और आपको इक्वेशन ही सॉल्व करनी होगी, ठीक है। कोई भी टर्म फाइंड करना है तो कोई भी टर्म फाइंड करना है मीन्स आपको वो एज अ वेरिएबल आपको ट्रीट करना है कि आपको कोई ना कोई वेरिएबल फाइंड करना है एंड वेरिएबल फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते थे? इक्वेशन सॉल्व करते थे, पहले इक्वेशन फॉर्म करते थे, देन उसको सॉल्व करके आप अपना आंसर फाइंड आउट करते थे। तो सेम उसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज के कंटिन्यू करोगे। आप लोगों ने 6, 7 एंड ऑल जो भी आगे के क्वेश्चन है ट्राई किया होगा, बिकॉज मैंने आपसे बोला था ट्राई जरूर करना। आपको थोड़ी सी भी हिंट मिल गई है तो आप लोगों की एक्टिवनेस मुझे तभी दिखेगी जब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की होगी, है ना। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम ने अभी तक मुझे प्रपोर्शन में जो बताया तो उसके एप्लीकेशन में मुझे अभी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी चीजें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ। बिकॉज प्रपोर्शन से रिलेटेड जो भी बेसिक्स थे मैंने आपको बता दिया है। अब प्रॉब्लम में आपको वर्ड प्रॉब्लम आपको जैसे जैसे बोलता जाएगा आपको वैसे वैसे इक्वेशन फॉर्म करनी होगी और उनको सॉल्व करके आंसर्स फाइंड करने होंगे। तो मेरे कल की 7.2 एक्सरसाइज के स्टार्टिंग एक्सरसाइज से मैंने जो भी बताया उसकी हेल्प लेके जिन बच्चों ने आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वो देखेंगे कि आज मैं जब उनको क्वेश्चंस बताऊंगी तो उनको बहुत कुछ हेल्प होगी, है ना। और अगर आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस कर ली होती है तो आपको खुद को जज करने का मौका मिल जाता है कि अभी कहाँ प्रॉब्लम रह जा रही है कि मैं अच्छे से एप्लीकेशन उसका नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से क्वेश्चन नहीं फॉर्म कर पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी डिफरेंट कुछ और बताना नहीं है, हर क्वेश्चन कुछ न्यू होगा इसलिए हर क्वेश्चन बता पाना पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन है और अगर कुछ क्वेश्चन कंटिन्यूअसली डिफरेंट टाइप के मिलेंगे तो मैं उन सबको आपको बताऊंगी, ठीक है। बाकी सेम टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको खुद से ही सॉल्व करने होंगे। तो चलते हैं हम लोग हमारे 7.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज, दिस इज रिलेटेड टू प्रपोर्शन, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपने कर लिया था, 7th भी आपका 6 के जैसा ही है। 6 में आपको एड करने के लिए बोला था, 7th में सब्ट्रैक्शन बोला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? सिंपल कह रहा है कि इफ के प्लस 3 के प्लस 2 3 के माइनस 7 इफ के प्लस 3 के प्लस 2 3 के माइनस 7 एंड 2 के माइनस 3 आर इन प्रपोर्शन एंड 2 के माइनस 3 आर इन प्रपोर्शन फाइंड के। तो मुझे लगता है इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, है ना। आपको के प्लस 3 के प्लस 2 3 के माइनस 7 एंड 2 के माइनस 3 आर इन प्रपोर्शन। भाई प्रपोर्शन में है तो इस तरीके से तो लिखा नहीं जाता है। किस तरीके से लिखा जाता है आप लिख रहे हैं उसे? k प्लस 3 रेशियो k प्लस 2 आर इन प्रपोर्शन टू 3 के माइनस 7 रेशियो 2 के माइनस 3। अभी आप इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। k प्लस 3, ठीक है, एक्सट्रीम्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है, 2k
माइनस थ्री इज इक्वल टू के प्लस टू इन टू थ्री के माइनस सेवन। मल्टीप्लाई कर ले इसे, टू के स्क्वायर माइनस थ्री के, पहले केसेस को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो टू के स्क्वायर माइनस थ्री के मल्टीप्लाई करना सभी को आता है, सिक्स के माइनस नाइन दैट इज इक्वल टू थ्री के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स के माइनस फोर्टीन। अभी आप क्या देख रहे हैं, टू के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस सिक्स के मीन्स प्लस थ्री के माइनस नाइन इज इक्वल टू थ्री के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स के मीन्स माइनस के माइनस फोर्टीन। के की डिग्री के ऑर्डर में हो रहा है, के टू द पावर टू एंड के टू द पावर वन, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी ही बननी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, जीरो। सो ऑल टर्म्स ट्रांसफर टू द लेफ्ट हैंड साइड, टू के स्क्वायर प्लस थ्री के माइनस नाइन माइनस थ्री के स्क्वायर प्लस के प्लस फोर्टीन इक्वल टू जीरो। 2k square minus 3k square means minus k square. 3k plus k means plus 4k. Minus 9 plus 14 means plus 5. That is equal to 0. Minus k square अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस से क्या हो जाएगा, k square minus 4k minus 5 is equal to 0. अभी मल्टीप्लाई करने से 5 एंड माइनस करने से 1, तो क्या हो जाएगा आपका, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, k माइनस 5 प्लस 1 k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, होल कॉमन k माइनस 5 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो If k minus 5 is equal to 0, then k is equal to 5. If k plus 1 is equal to 0, so k is equal to minus 1. ठीक है, आपका आंसर आ गया k is equal to 5 and k is equal to minus 1, because quadratic equation है, तो ये आपको sure था कि quadratic equation में हमेशा two answers आते हैं ना, तो k ही आपकी two answers हो गए, k is equal to 5 and k is equal to minus 1. ठीक है, तो सिंपल ये भी एप्लीकेशन ही था कि आपको भाई k प्लस थ्री के प्लस टू थ्री के माइनस सेवन टू के माइनस थ्री के टर्म में आपको सारे टर्म्स गिवन थे ना, और कह रहा था कि इट इज इटालियन प्रपोर्शन, प्रपोर्शन में है, तो मैंने कन्वर्ट किया कि किस तरीके से प्रपोर्शन में लिखते हैं, फिर k फाइंड करना है जो इक्वेशन फॉर्म होनी चाहिए, इसको कंटिन्यूअसली मैंने सॉल्व किया और आपको आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल इजी है, कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, 10 भी आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी है ये भी कर लेंगे, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड टू नंबर्स सच दैट, 11 क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट, फाइंड टू नंबर्स सच दैट
द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल between them is 28 and the third proportional to them is 224 and third proportional to them is 224. ठीक है, अब आप लोग अगर इस क्वेश्चन के वर्ड्स को अच्छे से नहीं देखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. क्यों कंफ्यूज होंगे, देखें. फाइंड टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 28. ओके, इसने कहा टू नंबर्स फाइंड करो, हमने लेफ्ट कर लिया, लेफ्ट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई. ठीक है, एंड क्वेश्चन ने क्या कहा कि सच दैट मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो मीन प्रोपोर्शनल है वो क्या है, 28 है कुछ ऐसा. एंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू दैम इज 224. आप कंफ्यूज हो जाएंगे. एंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू दैम इज 224. नॉर्मली आप लोग क्या समझेंगे कि वो कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल इज 224. अगर थर्ड प्रोपोर्शनल मीन्स 1, 2, 3, ये है थर्ड प्रोपोर्शनल. अगर यहाँ 224 पुट कर देंगे तो फिर y की वैल्यू तो डायरेक्ट हो गई 224. उसे फाइंड करने को क्यों बोला कि टू नंबर आप फाइंड करें. ठीक है, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज आप 9 को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. अब देखिए क्या समझना है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें किसने कहा है टू नंबर्स फाइंड. फाइंड टू नंबर्स, टू नंबर्स फाइंड करने को बोला है मीन्स टू इक्वेशंस बनी है, इट इज ऑब्वियस. अब टू इक्वेशंस कैसे बनेंगे, इसे बोला टू नंबर्स आर एक्स, मैंने लेट कर लिया कि टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई. इसे बोला था कि मीन प्रोपोर्शन 28 है, इसको मैंने अप्लाई किया, क्या हो गया 28 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई. मीन्स मीन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट. 28 इंटू 28 मीन्स 28 स्क्वायर एंड एक्सट्रीम प्रोडक्ट मीन्स एक्स वाई बिकॉज ये कंटिन्यूड है, तो कंटिन्यूड में मिड का क्या मीन का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है. ठीक है, तो अभी आपको ये मिल गया. आप चाहें तो इधर ड्रॉप कर दें या फिर इसे सॉल्व कर लें. 28 स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई, इक्वेशन 1. अभी क्या बोला, एंड थर्ड प्रपोर्शन टू देम, उनके लिए थर्ड प्रपोर्शन 224 है. मीन्स ये लाइन इस पहली वाली लाइन से बिल्कुल सेपरेट है. फर्स्ट जो स्टेटमेंट था वो इस इक्वेशन के लिए था. सेकेंड आपको यहां से कुछ नया करना है, कह रहा है थर्ड प्रपोर्शन टू देम, इन दोनों के लिए थर्ड, यहां पर आप लिख सकते हैं केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड. क्या कह रहा है, थर्ड प्रपोर्शन टू देम मीन्स फर्स्ट टू प्रपोर्शन क्या हो जाएंगे, एक्स वाई हो जाएंगे एंड थर्ड प्रपोर्शन इज 224. समझ गए ना, पहले बोला टू ऐसे नंबर्स फाइंड करें जिनमें मीन प्रपोर्शन 28 है एंड उनका थर्ड प्रपोर्शन, अगर आप उनको कंटिन्यूअसली लिखते हैं तो उनका थर्ड प्रपोर्शन क्या हो जाता है, 228 हो जाता है. ठीक है, तो आप अगर ये कुछ इस तरीके से है तो आपको क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू 224. इधर भी थ्री प्रपोर्शन है, थ्री है मीन्स कंटिन्यू होगा, कंटिन्यूड होगा, कंटिन्यूड है मीन्स मीन का क्या होगा, स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम. ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप वैल्यू फाइंड कर लें. तो आप क्या देख रहे हैं, आपको इधर से एक्स फाइंड कर लें, एक्स इज इक्वल टू
28 square upon y इधर पुट करते हैं तो यहाँ लिख देंगे ये क्वेश्चन टू लिखेंगे आप यूजिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन टू इक्वेशन इक्वेशन वन से वैल्यू को इक्वेशन टू में यूज करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x x की वैल्यू क्या है 28 स्क्वायर अपॉन y into 22. This method is called a substitution method. Means we substitute, we find a value of the variable from first equation and put it to the second equation. किसी एक equation से किसी एक variable की value find करना और second equation में उसकी value put कर देना जिससे कि सिर्फ एक ही variable में आपकी equation form हो जाए आपका क्या कहलाता है substitution. Substitute means ही होता है कि value को क्या कर देना substitute कर देना. अभी आप इसको solve करें y इधर transpose करेंगे तो y square into y means y cube is equal to 28 square into 224. So y is equal to cube root 28 into 22. Okay. Y cube था y हमें find करना है means cube इधर transpose हो जाएगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cube root हो जाएगा. अब cube root आप solve करें या तो आप इसको multiply करेंगे एक घंटे बैठ के multiply करेंगे फिर उसका cube root find करेंगे बहुत lengthy हो जाएगा. हम क्या करेंगे y is equal to cube root स्प्लिट करें 28 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 7 4 7 से 28 होता है ना 4 7 जा तो 4 मीन्स क्या होता है 2 into 2 into 7 सेम दिस 28 2 into 2 into 7 एंड 224 क्या होता है आपका इसको सो कर ले 224 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा क्या हो गया आपका 2 into 2 into 2. देखिए इजी हो गया ये सब नहीं करना आप इसे 28 ही रहने दें 28 into 28 एंड 224 को आपने किया तो आपको क्या मिल गया 28 into 2 into 2 into 2. ठीक है एंड क्यूब रूट मीन्स क्या होता है आप 3 3 का पेयर बनाते हैं ठीक है 28 में 328 है तो आपका 28 बाहर हो गया और इधर से 2 बाहर हो गया y is equal to आपको क्या मिल गया 56. ओके इफ y is equal to 56 y की वैल्यू आप पुट कर दें इसमें पुट कर दें तो आपको x मिल जाएगा तो आपको इसको y पुट करेंगे इधर 28 into 28 upon y means 56 that is equal to x 28 2 जा 2 14 जा means x is equal to 14 x is equal to 14 y is equal to 56 ओके क्लियर है तो समझे सिर्फ यही आपको समझना है फाइंड टू नंबर्स फाइंड करना है क्लियर हो गया टू इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी कैसे बनेंगी द मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 28 मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम मीन्स मिड का प्रपोर्शन साइड साइड में एक्स वाई लिखा बीच में 28 कर दिया फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉप कर दी सेकंड बोला थर्ड प्रपोर्शन टू देम तो इसी इक्वेशन में थर्ड प्रपोर्शन हम यूज नहीं कर सकते थे मीन्स हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है तो थर्ड प्रपोर्शन टू 24 इज स्टार्टिंग के टू प्रपोर्शन क्या हो जाएंगे ये जो आपकी वैल्यू क्या है थर्ड प्रपोर्शन टू देम देम मीन्स उनके लिए जो थर्ड प्रपोर्शन है मीन्स एक्स वाई के लिए जो थर्ड प्रपोर्शन है वो 224 है इसको अप्लाई किया एक इक्वेशन बन गई बोथ इक्वेशन को हमने सॉल्व किया एंड एक्स वाई की वैल्यू बनाई ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर 12 क्या है? इफ पी इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, इफ पी इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, प्रूव दैट ए सी proportional. proportional. ठीक है, ये क्वेश्चन है. कैसे करें? देखें, इफ पी इज मीन प्रपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, मीन्स क्या है? ए सी बी, ऐसा ही तो होता है मीन प्रपोर्शन. मीन प्रपोर्शन मतलब मिड का होता है. अब अगर तीन ही है, मीन्स ये क्या है? कॉन्टिन्यूड है. क्या हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. क्वेश्चन अब इसके आगे क्या करें? कुछ नहीं पता है, इसको ड्रॉप कर दिया. कह रहा है प्रूव दैट ए सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन प्रपोर्शन. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, पहले आप इसको लिखना चाहे तो क्या प्रूव करना है, पहले आप उसे लिख लें. टू प्रूफ ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगली मैम क्या कर रही है? देखो इसे क्या कहा है, प्रूव दैट ए सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन प्रपोर्शन. हमें प्रूव करना है कि ये प्रपोर्शन में है. अगर ये प्रपोर्शन में है, वो है कितने टर्म्स? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर टर्म्स है. मींस प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन, ये होना चाहिए. अगर ऐसा हमें मिल जा रहा है तो हम बोल देंगे कि ये सब क्या है, आपके प्रपोर्शन में है. ओके चले अभी प्रूव. फिर क्या बोला है? पी इज मीन प्रपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, देन दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. ठीक है, अभी इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें. एल एच एस क्या है? ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब अगर ये आया है तो इसको कहीं ना कहीं यूज करना है. बी स्क्वायर के प्लेस में ए सी पुट कर दे, ए इंटू ए सी प्लस सी स्क्वायर. अभी आप क्या देख रहे हैं? ए इंटू क्या देख रहे हैं? सी कॉमन, सी कॉमन मीन्स ए प्लस सी, सो इट इज ए सी इंटू ए प्लस सी. इक्वेशन वन. ठीक है, अभी आरएचएस में आ जाए. आरएचएस क्या है आपका? सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. सी इंटू ए कॉमन means a plus c, that is c a into a plus c. This is your second equation from c a. ठीक है, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we have LHS is equal to RHS. AC into A plus C, AC into A plus C,
LHS and RHS इक्वल हो गए, हम बोल देंगे क्या, then this implies A C A square plus B square B square plus C square R in proportion root okay clear है सभी को? इसे क्या बोला, if P is mean proportion between A and C, prove that AC A square plus B square plus C square are proportional. हमने क्या किया, हमें क्या अगर इनको proportional prove करना है means product of the extreme is equal to product of the mean करना होगा. अब हमने proof में किया कि B is mean proportion between A and C, so B square is equal to AC. ये तो आपको पहले से ही पता है कि अगर B A and C का मेन प्रोपोर्शन है, मीन्स इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, B square is equal to AC आ जाएगा. अब इसको यूज कहाँ करें, हमें ये प्रूव करना है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. डायरेक्टली तो ये आनी चाहिए, कैसे आएगी डायरेक्ट, ये हमने क्या किया LHS लिया, LHS में वैल्यू पुट की, आपको ये मिल गया, इधर ही ड्रॉप कर दिया. RHS को कंटिन्यू किया, उधर वैल्यू पुट की, आपको फिर से सी ए प्लस सी मिल गया. हमने देखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, इफ LHS इज इक्वल टू RHS देन वी प्रूव्ड दैट AC A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आर इन प्रोपोर्शन. ओके, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14, हेडिंग सेम है, आप लोग कर लेंगे. 14, इफ वाई इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, इफ वाई इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, वाई इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स एंड जेड, prove that x y z x plus y plus z whole cube is equal to x y plus y z x y plus y z plus z x. ठीक है, चलिए ट्राई करें आप लोग, पहले देखें कर पा रहे हैं आप लोग. अभी जैसे बताया वैसे ही सब करना है.
हो गया सभी का। चल देखते हैं कैसे करना है। इफ वाई इज मेन प्रपोर्शन बिटवीन एक्स एंड जेड, प्रूव दैट इज दिस। ठीक है, प्रूफ क्या है? वाई इज मेन प्रपोर्शन between x and z. And this implies y square is equal to x z. Okay, clear hai sabhi ko? Equation LHS kya hai? X y z, x plus y प्लस जेड। अभी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड है, बट इधर तो कहीं वाई स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर भी तो पुट कर सकते हैं ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, तो चाहे वाई स्क्वायर के प्लेस में एक्स जेड लिखे या फिर एक्स जेड के प्लेस में वाई स्क्वायर लिखे, ठीक है, आपको जैसी वैल्यू दिखेगी आपको वैसा ही पुट करना होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं एक्स जेड, इसको क्या लिख सकते हैं आप? एक्स जेड इंटू वाई भी तो बोल सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। बिकॉज आपको पता है चाहे आप 2 इंटू 3 करें तब भी 6 आना है, चाहे आप 3 इंटू 2 करें तब भी 6 आना है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये एक्स जेड पहले मैंने लिख लिया, वाई को मैंने इधर लिख दिया, कोई इशू नहीं है, इससे क्वेश्चन हमारा चेंज नहीं होगा। एक्स जेड के प्लेस में हमने क्या लिख दिया? वाई स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया y स्क्वायर इंटू वाई एक्स प्लस वाई प्लस, बाकी सब जैसे था वैसे ही कर दी लिख दिया। ठीक है, अब इधर मैंने लिख दिया ब्रैकेट में यूजिंग x सेट इज इक्वल टू y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन वन। आपने इधर वैल्यू पुट किया, सडन इस स्टेप के बाद में एग्जामिनर इस स्टेप में देखेगा कि आपने एक्स जेड के प्लेस में वाई स्क्वायर लिख दिया, तो वो आपसे पूछेगा ना कि भाई कैसे किया आपने, तो आप बताएंगे कि मैंने क्वेश्चन वन को यूज करके एक्स जेड के प्लेस में वाई स्क्वायर लिख दिया, मैंने पहले ये निकाल रखा था। ओके, वाई स्क्वायर इंटू वाई मीन्स क्या होता है? वाई क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब। ठीक है, क्लियर है सभी को? अभी आप क्या कर सकते हैं, इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है, तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के केस में आप स्क्वायर रूट को भी कंबाइन कर सकते हैं, क्यूब रूट को भी कंबाइन कर सकते हैं, स्क्वायर को भी कंबाइन कर सकते हैं एंड क्यूब को भी कंबाइन कर सकते हैं। क्या कंबाइन करना मैं बोल रही हूँ, देखें, अगर कभी आपको एक्स क्यूब वाई क्यूब मिल जाए, इसमें भी क्यूब है इसमें भी क्यूब है, तो आप इसको एक्स वाई क्यूब लिख सकते हैं, कंबाइन करके दोनों को एक साथ लिख के होल क्यूब हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई इशू नहीं, मल्टीप्लाई में है इधर मल्टीप्लाई में रहने दिया। अगर आपको कभी एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब मिल जाए तो आप इसको एक्स अपॉन वाई होल क्यूब लिख सकते हैं। कभी आपको रूट एक्स अपॉन रूट वाई मिल जाए तो आप इसको रूट एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं। कभी आपको रूट एक्स इंटू रूट वाई मिल जाए तो आप इसको रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड में फॉलो होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बता दिया, हमने रट लिया, कहीं मैम रॉन्ग तो नहीं बता रही, होता भी है ऐसे कि नहीं, तो आप देख लें करके, आप वैल्यू पुट कर लें, 2 क्यूब एंड 3 क्यूब इज इक्वल टू, मैंने बोला 2 इंटू 3 क्यूब हो जाएगा, देखें 2 क्यूब मीन्स 8, 3 क्यूब मीन्स 27, 8 7 जा 56, क्या लिया 5, 8 2 जा 16, 16 5 21, इधर आपने किया 3 2 जा क्या हुआ 6, 6 क्यूब मीन्स क्या होता है 216, आपने
आपने देखा एलजेस एंड आरजेस सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के केस में ये सारी कंडीशन फॉलो हो सकती है, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं हो सकता। चेक कर लें, आपने मेरी बात को याद रखा है और आपने क्या किया कि भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, आपने बोल दिया कि x प्लस वाई स्क्वायर, बोलेंगे मैम ने क्यों कहा था ऐसा कि कंबाइन कर सकते हैं। तो याद रखें कि मैम ने आपको बताया है कि आप सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के केस में कंबाइन कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं कर सकते। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, x plus y square is equal to x square plus y square plus 2xy होता है ना, ऐसा कभी होता ही नहीं है, फिर भी वैल्यू पुट करके देख लें, 2 square plus 3 square is equal to 2 plus 3 square, क्या ये ऐसा होता है? 2 square क्या हो गया आपका 4, 3 square means हो गया 9, 4 हो गया आपका 13, इधर 3 to 5, 5 square means 25, और ये दोनों सेम नहीं, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में आप कॉम्बिनेशन रूल अप्लाई नहीं कर सकते, मीन्स आप यूनिवर्सल रूट या फिर यूनिवर्सल क्यूब रूट नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के केस में ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, हमने देखा इधर क्यूब है इधर भी क्यूब है, इनको हम कंबाइन कर देंगे, y into x plus y plus z इसका कुल। एक तो हमें इससे आइडिया मिला कि भाई इसमें भी क्यूब है इसमें भी क्यूब है, हम कंबाइन कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। एक आइडिया हमें मिला है कि यार इसमें हमारा तो दो क्यूब हो जा रहा है और हमारे आरएचएस में तो सिर्फ एक ही क्यूब होल क्यूब चाहिए, दो दो तो होल क्यूब हमें चाहिए ही नहीं, तो एक ही होल क्यूब कैसे बनाए, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि भाई ये डिफरेंट डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए इनको हम कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा, वाई टू एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड होल क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपने क्या लिखा है एक्स जेड, आपको पता है क्योंकि स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट तो कहीं यहाँ कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पर आपने लिख दिया क्या एक्स जेड प्लस वाई जेड होल क्यूब, उसको अरेंज कर लें जैसा कि आपके आर एच एस में है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होल क्यूब दैट इज योर आर एच एस रूट। ओके, क्लियर है सभी को, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आप चाहते तो आप इधर से भी कर सकते थे, आरएचएस से कर सकते थे, जिन्होंने आरएचएस से भी किया उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड एक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर, जब वाई स्क्वायर कर देंगे तो आप देखेंगे इधर भी वाई इधर भी वाई इधर भी वाई, वाई को आप क्या करेंगे कॉमन लेंगे, लेकिन जब वाई कॉमन लेंगे तो वाई क्या होगा, ये क्यूब वाला लॉक तोड़ के बाहर आएगा ना, तो वाई सिर्फ अकेला बाहर नहीं आएगा, वो क्या आएगा वाई क्यूब बाहर आएगा, अंदर क्या रह जाएगा आपका एक्स प्लस जेड प्लस आपका वाई रह जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये आपको मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, एंड बाहर क्या आएगा वाई क्यूब, वाई क्यूब को लिख देंगे वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई स्क्वायर के प्लेस में एक्स जेड लिख देंगे, बस आपका एलएचएस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो एलएचएस से प्रूव करें चाहे तो आरएचएस से कंटिन्यू करें, आंसर दोनों ही साइड से आना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू एम बी, इफ ए प्लस सी
is equal to mb and 1 upon b plus 1 upon d is equal to m upon c and 1 upon b plus 1 upon d is equal to m upon c. Prove that a, b, c, d are in proportion. चलो ट्राई करें, आप लोग देखिए कर पा रहे हैं. बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें. मैंने आपको बोला है कि जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए थोड़ी देर रुक के उसको सोचा करें, ठीक है. और इस इन क्वेश्चंस की डिमांड ही यही है कि आप इनको कितने अच्छे से टैकल कर सकते हैं, कितना अच्छा आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर सकते हैं, ठीक है. बिल्कुल क्वेश्चन देख के फटाफट करना ही स्टार्ट ना कर दें, पहले सोचें कि क्या करना चाहिए हमें इसमें. अगर आप एक सेकेंड टू सेकेंड के लिए आप ऐसा सोच लेंगे तो आप देखेंगे कि आप हमेशा राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे. ओके देखिए हमें क्या आया है. प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है. तो प्रपोर्शन के लिए हमें क्या करना होता है, क्या प्रूव करना है हमें. ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन मीन्स बी सी इज इक्वल टू ए डी, ऐसा हमें प्रूफ करना है. ये हमारा प्रूफ है जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है. अभी हमें अब आप सोचें आपको BC is equal to AD प्रूफ करना है. आपको यहाँ कहीं M दिख रहा है. फर्स्ट थिंग, आपने जब इसको देखा तो आपके दिमाग में आया कि यार ये प्रूफ तो करना है, लेकिन होगा कैसे प्रूफ. तो जो आपको गिवन है उसी का यूज आपको करना होगा.
आपको गिवन क्या है, ए प्लस सी इज इक्वल टू एम बी, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन डी इज इक्वल टू वन अपॉन सी। दोनों का ही यूज करना है बिकॉज हमें ए बी सी डी सब लाना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करना है, मीन्स जो गिवन है उसी का यूज करना है। अब उसका यूज तो करना है, हमने देखा हमें जो गिवन है इसमें एम भी है एंड हमें जो प्रूव करना है उसमें एम तो कहीं दिख नहीं रहा है। मीन्स हमारा फर्स्ट जो टारगेट होना चाहिए एलिमिनेशन ऑफ एम। आप एलिमिनेशन ऑफ एम अप्लाई कर देंगे, आपका प्रूफ खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। एंड एलिमिनेट कैसे करते हैं, मैंने आपको अभी पहले एलिमिनेशन मेथड बताया था, अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन भी बता दिया आपको कि फर्स्ट इक्वेशन से एम फाइंड करें, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपकी क्या होगी, दोनों इक्वेशन का यूज भी हो जाएगा एंड एम भी एलिमिनेट हो जाएगा। भाई आप इससे m की वैल्यू फाइंड करेंगे, मींस m की वैल्यू a c b के ही तो टर्म्स में आएगी। इट मींस आपकी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका यूज हो गया। इस m की वैल्यू को आपने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो a में फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यूज थी m की वो सेकेंड इक्वेशन में पुट हो गई। मींस दोनों इक्वेशन का आपने यूज कर लिया। अब इक्वेशन का यूज कर लिया तो जो भी आपको एप्लीकेशन करना है, जो भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है आपको उसी फाइनल इक्वेशन में करना है, तभी आपको ये मिलेगा। बिकॉज ये क्या है, इन दोनों का रिजल्ट है। ये कहता है आप इन दोनों का यूज करके आप इसे प्रूव करें। कोई भी चीज किसी क्वेश्चन में यूजलेस नहीं होगी, ठीक है। तो अब कैसे करना है देखें, आपको गिवन है ए प्लस सी इज इक्वल टू एम बी, हमने फाइंड किया एम इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी, दिस इज अभी क्या है वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन डी इज इक्वल टू एम अपॉन सी। इसको सॉल्व किया या आपका बी जी एल सी एम लिया, क्या हो गया आपका डी प्लस बी इज इक्वल टू एम अपॉन सी, दैट इज इक्वल टू एम की वैल्यू पुट की है यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका ए प्लस सी अपॉन बी, ये एम हो गया एंड अपॉन क्या है आपका सी। आपको मैंने इतनी कर दिया, आप नेक्स्ट स्टेप पे कर देना, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये क्या है आपका b प्लस डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया आपका a प्लस सी अपॉन बी सी। होप आप अब इसको समझ रहे होंगे, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एंड ये आपका क्या होगा c अपॉन वन, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा वन अपॉन सी, मीन्स सी आपका इसके साथ बी के साथ रह जाएगा। अभी आप क्या देख रहे हैं बी एंड बी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, क्यों गया, मैंने कहा था ना अगर आप इक्वल में कट कर रहे हैं तो सेम साइन होना चाहिए, इधर ए बी डिनोमिनेटर में, ए बी डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, क्या बच गया बी प्लस डी अपॉन डी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन सी, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आपका c इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू डी इंटू ए प्लस सी, मल्टीप्लाई करें बी सी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी डी, बी सी डी सी ए डी एंड सी डी, ठीक है। अभी क्या होना चाहिए, ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ तो क्या देखा आपने सी डी एंड सी डी, ये भी सी डी है ये भी सी डी है, तो सी डी सी डी आपको क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी आपको प्रूव करना, ओके प्रूफ। बस इतना छोटा सा है, सिर्फ टू सेकेंड के लिए सोचा हम लोगों ने, फिर से देखें आप में बताने में, मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ आप क्वेश्चन को ना रटें, आप सिर्फ ये सोचें कि मैं आपको कैसे बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, आप मेरे माइंड को देखें कि मैं कैसे बता रही हूँ, आप मेरे तरीके से सोचें, ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आपकी मैथ्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, ओके तो आपको क्या करना है, हमने सोचा कि भाई हमें प्रूव करना है ए बी सी डी आर इन बा क्वेश्चन,
मीन्स क्या करना है, BC इज इक्वल टू AD करना है। कैसे आएगा, जब हम ये क्वेश्चन यूज करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन यूज करें, फर्स्ट थिंग हमें हिंट मिली M एलिमिनेट करना है, बिकॉज प्रूफ में तो M है ही नहीं। एलिमिनेट करने के लिए हमें एलिमिनेशन मेथड पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है। एलिमिनेशन यूज नहीं कर सकते, नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड आप तब यूज करते हैं ना जब आपको डिवाइड ना हो, मल्टीप्लाई में ना हो, सेपरेट टर्म्स आपके एडिशन या सबट्रैक्शन में दिए हो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, आपको डिवाइड है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में जब वैल्यूज होती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है, तो मोस्टली हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना होता है। हमने इधर से एम फाइंड किया, सेकेंड इक्वेशन में एम पुट किया, सॉल्व कर दिया इसको। अब जब सेकेंड में यहाँ पुट कर दिया, तो अब ये क्वेश्चन जो कंटिन्यू हो रही है, ये क्या है, ये आपका इन दोनों का क्या है, पूरा इन दोनों का मिक्सचर है ना। आपने क्या किया, फर्स्ट एम की वैल्यू फाइंड करके सेकंड में पुट कर दिया, तो अब ये क्या है, पूरा दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसी को आप कंटिन्यू करेंगे और आपको जो फाइंड करना है आपको मिल जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 इफ एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, इफ एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इज इक्वल टू, प्रूव दैट तो हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, क्या प्रूव करना है, एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब अपॉन ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, हमें प्रूफ करना है। ट्राई करें, आप यूज करेंगे अपना माइंड, देखें क्या कर सकते हैं। देखिए मैं बता देती हूँ आपको, आप अगर इसको डायरेक्ट LHS कंटिन्यू करेंगे या फिर डायरेक्ट LHS कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपका नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, आपको गिवन है एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी, ये इतनी ज्यादा वैल्यूज है। अगर हम यहाँ LCM लेते हैं तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर सी स्क्वायर वाई क्यूब एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर जेड क्यूब, ऑल लेंथी होता चला जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, ये सब इक्वल ही थे, के इलेक्ट कर लिया, तीनों इक्वल थे, इनको के इलेक्ट कर लिया। जब भी मैंने इनको के किया हमें क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल टू ए के, ये सब इक्वल है, मीन्स एक्स अपॉन ए भी के इक्वल है, वाई अपॉन बी भी के इक्वल है, जेड अपॉन सी भी के इक्वल है। तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू के, सो एक्स इज इक्वल टू ए के, वाई इज इक्वल टू बी के, जेड इज इक्वल टू सी के, क्यों कर रहे हैं ऐसा। एक्स वाई जेड को ए बी सी के टर्म में अगर कन्वर्ट कर देंगे, सपोज इधर ए कुछ आ जाएगा तो ये ए इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर अगर b कुछ यहाँ y में b आ जाएगा तो b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया कि x को a के टर्म में फाइंड कर लिया। अब ये सारी वैल्यू LHS में पुट कर दें, LHS
एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। एक्स क्या है ए के, ए के क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी के क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी सी के, क्या है आपका सी के, सी के क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। अभी ए के क्यूब मीन्स क्या होगा, ए क्यूब के क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब के क्यूब अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब के क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। ए स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, बी स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, सी स्क्वायर से क्यूब कैंसिल। ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब, के क्यूब कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन अब आर्चेस में पुट कर दे, इधर डायरेक्ट आर्चेस कर देते हैं। एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए के, ए के प्लस बी के प्लस सी के होल क्यूब अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। के कॉमन हो सकता है, ए प्लस के, के हमने कॉमन लिया। अब जब आपने के कॉमन लिया तो के क्या होगा, ये जो क्यूब वाला लॉक है इसको ब्रेक करके बाहर आएगा ना, तो इसमें भी क्या होगा आपका क्यूब लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सी, इसका भी के का भी तो क्यूब था ना, ये सिर्फ ए बी सी का ही तो क्यूब नहीं था, है ना। तो जब के हम बाहर कर रहे हैं क्योंकि ये कॉमन है इसलिए हमने बाहर कर लिया, जब इसको बाहर किया था जब भी क्यूब हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्यूब अपॉन ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, क्या मिल गया आपको के क्यूब इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड सेम हो गया ना दोनों, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट LHS is equal to RHS root. Okay? अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते थे, हमने यहां सोचा कि अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो क्यों ना ये सभी इक्वल थे तो कुछ ना कुछ कोई एक ऐसी वैल्यू ले लें जो इन सभी की इक्वल हो जाए, जिससे कि हम अभी देखें, अगर अभी हम सोचें कि x की वैल्यू एक एक हमें फाइंड कर ले तो नहीं कर सकते, अगर हम इसमें करेंगे तो x की वैल्यू फिर y के टर्म में आ जाएगी, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू z के टर्म में आ जाएगी, तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमने क्या किया, सभी को k के इक्वल कर लिया, ताकि x y z सभी की वैल्यू k में आ जाए, जब इनको सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ कॉमन होगा एंड कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। ओके, तो आप इस 16 क्वेश्चन के जो भी पार्ट्स हैं आप लोग कंटिन्यू करेंगे, उनके आंसर्स इसी तरीके से आपको हर एक पार्ट जिसमें 3 पार्ट्स हैं सब में आपको यही करना है, इसको के इक्वल एड करके आप वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड बाकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।